शिक्षा मित्र अपने हक की लड़ाई के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं लगभग 22 वर्षों से। आज तक इनको हक इनका नहीं मिला क्योंकि सरकार बदल गई। सरकार के बदलने के साथ साथ इनका किस्मत भी बदल गया। इनके किस्मत में मानो लकवा मार गया। जब अखिलेश का सरकार आया तो इन्हें परमानेंट कर दिया गया। परमानेंट करने के बाद ये 2 साल लगभग नौकरी किए। नौकरी करने के बाद कोर्ट द्वारा इन्हें हटा दिया गया और कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि सरकार अगर चाहे तो इन्हें परमानेंट करके रख सकती है, लेकिन सरकार ने इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। आज इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय हो गया है। अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने जीवन के भविष्य के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। 10,000 रुपये मात्र इनका वेतन है और जो ये वेतन पाते हैं उनसे इनका पूरा परिवार का खर्च नहीं चल पाता। इनका कोई दोष नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार आकाश में उड़ा दिया जाए और वहां से छोड़ दिया जाए तो निश्चित ही तौर से वह गिर जाएगा, वह मर भी सकता है और विकलांग भी हो सकता है। शिक्षा मित्र इस समय बिल्कुल विकलांग है। आप देख रहे हैं अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए ये यहाँ पर कितनी भारी तादाद में आए हुए हैं। अपनी मांग को आज कई वर्षों से मांग रहे हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनके बच्चे आज बेबस और मजबूर हैं। अपने बच्चों को ना तो पढ़ा पा रहे हैं और ना तो यहाँ से कहीं दूर जा पा रहे हैं, क्योंकि एक बार यह सम्मानजनक पद पाने के बाद कोई भी मनुष्य कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो उसके सम्मान के विपरीत हो। शिक्षक एक सम्मानित पद होता है जिस पद को पाने के लिए बहुत लोग लालायित रहते हैं। जिसे शिक्षा मित्र ने पाया तो, लेकिन ऐसा गया इनका पद कि जीवन में इनके लकवा सा हो गया। आज मजबूर है बेचारे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई वर्षों से ऐसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मात्र 10,000 रुपये में इनका कैसे खर्च चलता होगा आप समझ लीजिए। 10,000 रुपये में तो सिर्फ खर्च चलता है, बाकी आप बताइए। अगर इनके बच्चों की शादी करनी हो, इनको घर और मकान बनाना हो, अथवा अगर कहीं ये बीमार हो जाता है इनका परिवार, तो ये कैसे अपना परिवार चलाएंगे? यह भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को भी सोचना चाहिए और भारत की जनता को भी सोचना चाहिए।